सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए जरा मुझे। हेलो गाइस, आज मैं बिलाल और अली के रमजान इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलाल। तो मेरा नाम है अली। तो अब हम 15 दिन रह गए हैं और 15 दिनों में हम एक ट्रांसमिशन करेंगे जिसके नाम होगा अजूबा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हम नए नए अजूबों से मिलेंगे और वो अजूबे कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी। और जिस तरह आज हम मिलने जा रहे हैं कैसे अजूबे से, जिसका रोल हमारी जिंदगी में बहुत अहम है लेकिन होना नहीं चाहिए, कोई भी हम काम करने जा रहे हैं सबसे पहले वही हमें मशवरा देता है, जिसका नाम है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो देखो कितना आपके नाम क्या है? इबलीस। इबलीस क्या होता है? शैतान तुम्हारी तरह। गजब बेइज्जती है। अच्छा सही सही, वो गलती हो गई दीदी। तो आपकी उम्र क्या है पहले आप हमें ये बताएं। आपका नाम तो जैसे कि सारी दुनिया को पता है लेकिन उम्र क्या? आपकी उम्र हम जानना चाहेंगे आपसे। 6 उम्र है। ये मेरे पता भटकाता है उसकी उम्र। 6000 साल आपकी उम्र? 6 करोड़ बोल रहे। 6 लाख है ना? ओए कह रहा झूठा। झूठा नहीं कह रहा है, कुछ और कह रहा है जो ये खुद है। लेकिन अच्छा इनकी उम्र हम जानी बात आपको इनसे कुछ बात हमें से बोल रहे। आप टॉपिक क्यों पहन लीजिए? अगर आप इबलीस हैं तो रमजान के महीने रोजे रखते हैं। आप रोजे रखते हैं? तुम बड़ा पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तुम नहीं पढ़ते। अच्छा आपस की बात है, टोपी ऐसे रखी सर में लटकाई होती है। अलादीन टोपी ऐसे रखी है लटकाई होती है। देखें आप सच में क्या अभी बात सुने आप इबलीस भाई, तुम्हारी आप बहुत इज्जत देते हैं, हम आपको बता रोजे रखते हैं। तो इबलीस भाई आप कहीं बचपन में सीढ़ी से गिर गए थे या किसी ने आपके ऊपर से टापा था कि आपका कान इतना छोटा रह गया? बताए मैं जब सीढ़ियों से जा रहा था मेरे ऊपर मेरे से टकरा गई थी। ठीक है 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 गिरे नहीं। अब एक और हमें एक बात बताइए, चिड़िया टकराने से भी का छोटा जाता। अच्छा इबलीस ने बोला सुनो इबलीस ये आपकी एक छोटी क्यों है? नहीं नहीं क्योंकि मैं अभी बहुत सारे सुपर स्टेशन है, मुझसे पूछ लेते हैं। सुपर स्टेशन स्टेशन नहीं है, ठीक है सुपर स्टेशन बोलना। रेलवे स्टेशन है हमारे पास। अभी पूछते इबलीस बस आ जाए, अगर हम खाना खाते बात करें तो आप आके हमारा खाना खा जाते हैं। बहुत भूख है। अच्छा नहीं होता, खाने खाने लगा के नमाज पड़ता है। इबलीस की तरह चीजें खा जाते हैं। अपने रोल में आता हूँ। पुलिस पुलिस की पुलिस बोले अगर हम जिन जाए नमाज खुला छोड़ दे तो बाकी नमाज पढ़ लेते हो? मैं शैतान हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ कभी। बात कर रहा खाता है देखें शैतान भाई। शैतान की चिड़िया तो कहने से कहा छोटा था लेकिन देखें नमाज पढ़ता शैतान इतना इतना वो है ना, क्या कहते हैं उसको, ईमानदार शैतान है। झूठ तो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी डायरेक्ट जन्नत पे नहीं जाएगा, दोजख में जाएगा शैतान। आज झूठ बोलते हैं बोलता कह रहा है शैतान। अच्छा एक और बात है आपसे पूछनी है कि आप हम अगर टांगे ऐसे टांगों पे वीडियो बना रहा, अगर आप टांगे ऐसे ऐसे लाएं तो आप टांगों पे बैठ के झूले खाते हैं? अब यही झूले खाने के लिए रह गए आपके पार कितने छोड़ के आप हमारी टांगों पे झूले खाने आते हैं? क्यों और की जगह नहीं मिली आपको झूले खाने के लिए? पार सारी दुनिया के खाली पड़े होते हैं, कोई लेके जाते ही नहीं है। बहुत टांगे दिया शैतान भाई, शैतान भाई कर
तो ये जमशेद कैसी जमशेद की तरह से आपके जाती है कंगी क्या रेडी वर्क पड़ता है मेरे को तो फॉन्सर आ जाएगा बोला जैसा कि आपको पता है कि आजकल फरहान सॉरी कमरान रिजवान रमजान चल रहा है नहीं रमजान चल रहा है तो आप तो किडनैप हो आपको कैद किया था जेल में तो हम आपको जमानत पे लेके आए हैं और सही सावधानी से मैंने आपको जमानत से छुड़वा के लाया है तो बिलाल आपसे आगे सवाल करेंगे आपके बारे में आपके साथ कैसा आप बर्ताव सलूक किया जाता है शैतान भाई शैतान भाई हम तो तारे बहुत मजे करते हैं पकौड़े खाते हैं रोल खाते हैं जूस पीते हैं आपको मांग के देते हैं हम थाने बहुत अच्छा बर्ताव ठंडे देते हैं और वो छितर भी लगते हैं जिसपे लिखा था आज हमारी माँ तेरा इंतजार है ना तो गाइस हमारे शैतान भाई हमारे चैनल जाने वाली लेकिन हम आपके इतने मुनाफिक हैं कि ये जो है हमारे सवाल जवाब इतनी ईमानदारी से दे रहे हैं जैसे कि पैसे मिले लेकिन इतनी ईमानदारी से दे रहे हैं जैसे इनको सवाल मिलेगा इस बात का लेकिन ये हमें हमारे रास्ते से भटकाए हुए हैं तो ये देखिए हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं और खुद हमें ईमानदारी जवाब दे रहे हैं बहुत मुनाफिक है जेल होना चाहिए पुरस्कार होना चाहिए आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता जाता है हुआ जाता और है वक्त होता है वक्त है क्या नहीं वक्त होता है हमारी ट्रांसमिशन खत्म होने का अगली एपिसोड में आपको इसी तरह नए नए करेक्टर से मिलने का मौका मिलेगा और देखते रहिए हमारा चैनल इख्तिताम करते हैं और इख्तिताम करते हैं किसका अल्लाह के नाम से चुपड़ मिल के मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।